हेलो फ्रेंड्स, आज से पहले हम लोगों ने रेडॉक्स के दो लेक्चर्स में ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की थ्योरी, रूल्स और उनके एक्सेप्शंस, उन पे कई सारे सवाल किए। आज लेक्चर थ्री में हम लोग जो है ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहते हैं, ठीक है, और कितने टाइप्स के रेडॉक्स रिएक्शंस होते हैं, इसको जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो लेक्चर थ्री है ये, लेक्चर थ्री। हम लोग इसमें जानने की कोशिश करेंगे व्हाट इज ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, रिडक्शन किसे कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन किसे कहते हैं, दूसरा है ना व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन किसे कहा जाता है, व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कैसे आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को पहचानेंगे, है ना, कैसे आप है ना रिड्यूसिंग एजेंट्स को पहचानेंगे, ये सीखने की कोशिश करेंगे। फिर हम लोग ये भी जानने की कोशिश करेंगे कैसे आप रिएक्शन को देखकर पहचान जाएं कि ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है ना। तो टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन भी सीखेंगे, रिएक्शंस। तो इस लेक्चर में हमारा ये चार एजेंडा है ना, चीजों को जानना, ठीक है। आइए सबसे पहले हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से शुरू करते हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को मैं कंपैरेटिवली आपके सामने डील करूंगा, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे हम लोग इसकी। अब आमतौर पर होता क्या है कि ऑक्सीडेशन का मतलब हम लोग स्कूल में पढ़ते आए हैं कि एनीथिंग विच कंबाइंस विथ ऑक्सीजन अंडरगोज ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि बिल्कुल सच भी है ये, है ना, जीरो है, प्लस टू है कार्बन, प्लस फोर है यहां पे स्टेट कार्बन का, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जा रहा है, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन कह सकते हैं इसको। मैं आपको बताऊं कि जब भी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, और जब भी बढ़ता है तो उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं, और जब भी नंबर घटता है तो उसे रिडक्शन कहेंगे, ठीक है। तो यहां पे ये कार्बन पक्का ऑक्सीडाइज कर जा रहा है, यानी कोई भी चीज जब ऑक्सीजन से कंबाइन करेगी तो वो ऑक्सीडाइज करेगी, ठीक है, ये बात हो गई। ऐसे रिडक्शन के बारे में कहा जाता है कि एनीथिंग विच रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन अंडरगोज रिडक्शन, ठीक है, हाइड्रोजन से अगर आप रिएक्ट करते हैं तो आप रिड्यूस हो जाते हैं। चेक करते हैं यहां पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर जीरो है, यहां पे कितना है, -1 है। मैं साफ देख सकता हूं कि ऑक्सीडेशन नंबर में है ना डिक्रीज आ रहा है, तो पक्का यहां पर रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, रिडक्शन हो रहा है, तो ये बात सही तो लगती है, लेकिन इसके एक्सेप्शन भी हैं, ठीक है। अब फॉर इंस्टेंस अगर आप फ्लोरीन को ऑक्सीजन से कंबाइन करेंगे और अगर आप ये कंपाउंड बनाते हैं O2F2, तो उल्टा हो जाएगा, यहां फ्लोरीन जीरो स्टेट पे है, यहां -1 है, ठीक है, यहां पे फ्लोरीन जो है का ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन से कंबाइन करने के बावजूद घट जा रहा है, इसको आप रिडक्शन कहेंगे, ना कि पहले केस की तरह ऑक्सीडेशन, ठीक है, तो ये इसका एक्सेप्शन हो गया। तो अगर कोई कहता है कि एनीथिंग विच कंबाइंस विथ ऑक्सीजन अंडरगोज ऑक्सीडेशन, ये बात उतनी सही नहीं है, यहां पर मैंने आपको एक एक्सेप्शन भी दिखा दिया, ठीक है, जबकि ये बात कहना कि एनीथिंग विच रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन अंडरगोज रिडक्शन, ये उतना सही नहीं है, इसका भी एक्सेप्शन है, इसका भी एक्सेप्शन है। क्या क्या एक्सेप्शन है, जैसे आप कोई भी मेटल को ले लीजिए, अगर वो हाइड्रोजन से कंबाइन करके है ना एक हाइड्राइड बनाता है, तो आप पाएंगे कि यहां पर उस मेटल का रिडक्शन नहीं हुआ, बल्कि क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ठीक है, यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, ये ऑक्सीडेशन हो गया। तो एक भ्रांति जो है, एक एक, एक, एक मिसकॉन्सेप्शन है, वो मैं आपको दूर करता हूं। एनीथिंग विच कंबाइंस विद ऑक्सीजन समटाइम्स में गेट रिड्यूस ऑल्सो, ठीक है, कभी कभी वो ऑक्सीडाइज ना होके क्या हो सकती है, रिड्यूस हो सकती है। तो ये उतना अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं है, छोटी क्लासेस से बच्चों को बताते हैं कि कोई भी चीज अगर ऑक्सीजन से कंबाइन हो तो उसे आप ऑक्सीडेशन कहते हैं, जबकि ज्यादा अच्छा होगा कि आप कहें कि कोई भी चीज अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव चीज से रिएक्ट करती है तो वो ऑक्सीडाइज होती है। जैसे यहां पर फ्लोरिन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन से, तो यहां पर ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज कर गया है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर बढ़कर +1 हो गया, ठीक है। तो ये डेफिनेशन हम उतना अच्छा नहीं मानते, हम लोग इतना अच्छा नहीं मानते कि कोई भी चीज ऑक्सीजन से कंबाइन करती है तो ऑक्सीडाइज करेगी, हो सकता है कि वो रिड्यूस भी कर जाए। फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन का एक और कंपैरेटिव एनालिसिस आप कर सकते हैं। मान लीजिए मैं ऑक्सीडेशन का एक और एग्जाम्पल जो अक्सर दिया जाता है कि कोई भी चीज अगर हाइड्रोजन लूज करती है तो हम उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर वाटर की आप इलेक्ट्रोलिसिस कर दीजिए, ठीक है ना, वाटर की आप इलेक्ट्रोलिसिस कर दीजिए और ऑक्सीजन
हाइड्रोजन अगर हट जाता है तो इसका मतलब वो चीज यानी ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीडाइज कर गई है। हम देख भी सकते हैं यहाँ ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है परऑक्साइड में -1 होता है ना। -1 से ऑक्सीजन कहाँ चला गया? जीरो। इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 से जीरो चला गया है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया है यानी इसका ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आप यही चीज, इसका भी एक्सेप्शन है, ये उतना अच्छा डेफिनेशन नहीं है ऑक्सीडेशन का। अगर कोई चीज हाइड्रोजन लूज करती है तो हो सकता है वो ऑक्सीडाइज के बजाय रिड्यूस भी कर जाए। फॉर इंस्टेंस यही एग्जाम्पल ले लीजिए आप, है ना, हाइड्राइड है, इसको आप हीट करिए, सोडियम अलग हो जाता है, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। आप यहां पाएंगे हाइड्रोजन यहां पर, हाइड्रोजन के लूज होने के बाद सोडियम जो है वो ऑक्सीडाइज होने के बजाय रिड्यूस कर गया, यहां ऑक्सीडेशन नंबर कट गया, रिडक्शन हो गया। ऐसे ही लोग कहते हैं, ये सेकेंड डेफिनेशन था मैं ऑक्सीडेशन का, सेकेंड डेफिनेशन था। ऐसे कुछ लोग कहते हैं कि एनीथिंग विच लूजेस ऑक्सीजन गेट्स रिड्यूस्ड, ठीक है ना, कोई भी चीज अगर ऑक्सीजन लूज करती है तो वो रिड्यूस हो जाएगी। KClO3 है मान लीजिए, हीट करने पे KCl+3 ऑक्सीजन में चेंज होता है, तो ये बात हो सकता है सही हो। इसने ऑक्सीजन लूज किया है तो ये रिड्यूस हुआ ही हुआ है। यहां जो है क्लोरीन +7 स्टेट से है ना -1 स्टेट पे चला गया, ऑक्सीडेशन नंबर घट गया, इसका रिडक्शन हुआ, नो डाउट, ठीक है। पर जरूरी नहीं कि जो चीज ऑक्सीजन लूज करे वो हमेशा रिड्यूस ही हो, इसका भी एक्सेप्शन है। तो ये उतना अच्छा डेफिनेशन नहीं है। फॉर इंस्टेंस अगर आप OF2 है, आप बहुत ज्यादा हीट करते हैं, ऑक्सीजन अलग फ्लोरीन अलग हो जाता है, ठीक है, आप पाएंगे कि यहां फ्लोरीन रिड्यूस करने के बजाय बेसिकली क्या कर गया है, ऑक्सीडाइज कर गया, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर घट गया है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया है और यहां पर यह चीज ऑक्सीडाइज कर गई है। तो ये जो दो डेफिनेशंस होते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन के, क्या कि एनीथिंग विच कंबाइंस विद ऑक्सीजन गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, एनीथिंग विच कंबाइंस विद हाइड्रोजन गेट्स रिड्यूस्ड, इट हैज गॉट सम एक्सेप्शंस, कुछ अपवाद इसके हैं, ठीक है। ऐसे ही ये जो डेफिनेशन है कि कोई भी चीज ऑक्सीजन लूज करती है तो ऑक्सीडाइज करती है, और हाइड्रोजन लूज करती है तो ऑक्सीडाइज करती है, और ऑक्सीजन लूज करती है तो रिड्यूस करती है, इसके भी कुछ कुछ एक्सेप्शंस हैं। तो ये दोनों डेफिनेशंस उतना अप टू द मार्क नहीं है। इससे सबसे अच्छा डेफिनेशन जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का होगा वो ये होगा कि आप कहें कि ऑक्सीडेशन, या तो आप ऐसे कह दें कि ऑक्सीडेशन उसे कहते हैं जब, ऑक्सीडेशन का सबसे अच्छा डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि ऑक्सीडेशन तब होता है जब कोई चीज अपना इलेक्ट्रॉन लूज करे, ठीक है। तो लूजिंग इलेक्ट्रॉन मीन्स ऑक्सीडेशन, एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अगर आप इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं तो आप रिड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। फॉर इंस्टेंस ये तीसरा डेफिनेशन हो जाएगा, सल्फर दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके अगर सल्फाइड में चेंज कर रहा है तो आप देख रहे हैं यहां पे उसका क्या हो जा रहा है, रिडक्शन हो जा रहा है, ठीक है। एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन मीन्स रिडक्शन, ठीक है ना, रिडक्शन। लेकिन अल्टीमेटली जो सबसे अच्छा डेफिनेशन है वो मैं अभी फोर्थ इस पे पॉइंट में बताने जा रहा हूं। सबसे अच्छा डेफिनेशन वो यहां पे भी लागू हो रहा है, बेसिकली सबसे अच्छा डेफिनेशन हो जाएगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन का कि आप ये कहें कि कोई भी चीज जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है वो ऑक्सीडाइज होता है, और कोई भी चीज जिसका ऑक्सीडेशन नंबर घटता है ना, वो रिड्यूस हो रहा है, ठीक है ना, वो रिड्यूस हो जाता है। तो आज के बाद हमारे लिए सबसे अच्छा डेफिनेशन यही वजह है कि लेक्चर 1 और 2 में हम लोगों ने ऑक्सीडेशन नंबर्स की बात की है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर अगर हमें कैलकुलेट करने आता है तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन हमारे लिए बड़ी चीज नहीं है, है ना। सबसे अच्छा क्या डेफिनेशन यहां पे भी यही हुआ है, यहां पे भी क्या हुआ है, आप इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया है, ठीक है, या एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद ऑक्सीडेशन नंबर घट गया है, ठीक है। तो आज के बाद सबसे अच्छा डेफिनेशन क्या रहेगा कि ऑक्सीडेशन कब होता है, जब कोई चीज का, किसी भी चीज, किसी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, और रिडक्शन किसे कहते हैं, जब किसी एटम का, है ना, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, घटता है, ठीक है। तो एक चीज तो हम लोगों ने क्लियर कर दी कि ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं और रिडक्शन किसे कहते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट चीज पे चलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस किसे कहते हैं। सेकेंड टॉपिक क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन। आप एक रेडॉक्स रिएक्शन लिख सकते हैं, सल्फर प्लस HNO3
changes into SO2 plus NO2 plus H2. यहां पे आप देख सकते हैं सल्फर जीरो स्टेट में है और मान लीजिए प्लस थ्री स्टेट में जा रहा है ना, प्लस सिक्स में छह का ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज हो रहा है। यहां नाइट्रोजन प्लस फाइव स्टेट में और ये प्लस फोर स्टेट में है ना, एक का डिक्रीज हो रहा है। यहां ऑक्सीडेशन नंबर छह से बढ़ रहा है, यहां एक से घट रहा है। आप इसको सिक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये सिक्स से घटता हुआ दिखाई पड़ेगा। अब बाकी आप वाटर बैलेंस कर सकते हैं। वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होता हो उसको आप रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। एक्चुअली ये कहना कि कोई रिएक्शन जिसमें दोनों होता हो एक्चुअली उल्टा है। ये दोनों कभी भी अकेले अकेले नहीं हो सकते। कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई चीज ऑक्सीडाइज कर जाए अकेले या कोई चीज रिड्यूस कर जाए अकेले। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक दूसरे के पूरक है। जैसे यहां पर क्या हुआ, सल्फर ने छह इलेक्ट्रॉन लूज किया और एक अगर मैं सिक्स मल्टीप्लाई ना करूं तो इसका क्या मतलब हुआ कि सल्फर एक बार में छह इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। HNO3 एक बार में एक ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब एक सल्फर के दिए हुए छह इलेक्ट्रॉन को छह HNO3 को लेना पड़ेगा ताकि उसमें नेट नेट छह का डिक्रीज हो सके। तो जब भी कोई चीज ऑक्सीडाइज करती है ऑक्सीडेशन, जब भी रिड्यूस करती है रिडक्शन, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आप ऑक्सीडेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन देना, पर आप इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं देते हैं जब तक उसे कोई एक्सेप्ट करने वाला ना हो। यहां पर सल्फर तब तक इलेक्ट्रॉन नहीं देगा जब तक कोई लेने वाला ना हो। यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है और इनको कंबाइंड रूप में हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। रेड स्टैंड फॉर रिडक्शन एंड ऑक्स स्टैंड फॉर ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन होता है तो रेडॉक्स रिएक्शन उसे कहते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों घटता है एक साथ घटती है। थर्ड टॉपिक क्या, थर्ड टॉपिक है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट इसको भी समझा जाए। इसको भी हम पिछले डेफिनेशन से ही अच्छा समझ सकते हैं। जो यहां पर सल्फर खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है यानी वो HNO रिड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ठीक है, यानी सल्फर खुद को ऑक्सीडाइज करके इलेक्ट्रॉन दे रहा है जो HNO3 लेकर रिड्यूस कर जा रहा है। यानी HNO3 तभी रिड्यूस करेगा जब सल्फर ऑक्सीडाइज करेगा। यानी HNO3 को रिड्यूस करने का के पीछे जो कारक है, जो एजेंट है, वो सल्फर है। सल्फर ने खुद को ऑक्सीडाइज करके दूसरे को रिड्यूस किया। तो जो खुद को ऑक्सीडाइज करता है, जो खुद को ऑक्सीडाइज करता है, जिसका खुद को ऑक्सीडेशन होता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है, वो दूसरे को रिड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी वो कैसा एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, और कोई खुद को जो रिड्यूस कर रहा है वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। वो खुद को रिड्यूस करता है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर घटता है, जो विच अंडरगोज रिडक्शन, जो रिडक्शन अंडरगो होता है, ठीक है, उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एजेंट कहा जाता है। तो मैं कह सकता हूं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसे कहते हैं जो खुद जिसका रिडक्शन होता है, और रिड्यूसिंग एजेंट उसे कहते हैं जो किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन में क्या करता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है या ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा। मैं फिर बता दूं, किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन में जो चीज ऑक्सीडाइज होती है उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट को हम रिडक्टेंट्स भी कह सकते हैं, रिडक्टेंट्स। और किसी भी रिएक्शन में जो खुद को रिड्यूस करता है वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ऐसे लोगों को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट कहते हैं, ऑक्सीडेंट्स कहते हैं। तो आइए इनको बारी बारी से देखा जाए कि ये इनके इनके क्या फीचर्स होते हैं, कैसे आप पहचानेंगे कि कौन सी चीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सी चीज रिड्यूसिंग एजेंट है। तो हमारा अगला टॉपिक होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। आइए देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट
अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जहां तक बात है, अब कैसे पहचाने कोई चीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? मुझे ये तो याद है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो हमेशा रिड्यूस करे। तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो चीज अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे होगी, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे होगी मतलब और ऊपर नहीं जा सकता, वो हमेशा अब रिड्यूस ही करेगा किसी भी रिएक्शन में। और जो खुद को रिड्यूस करेगा वो कैसा एजेंट हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की सबसे बड़ी जो पहचान है, फीचर है, वो क्या है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर जनरली फाउंड इन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, फाउंड इन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। कई एग्जाम्पल हो जाएंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, H2SO4+6 स्टेट में है, SO3+6 स्टेट में है ना, HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड हो चाहे डाइल्यूट हो, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि नाइट्रोजन +5 स्टेट में होता है जो नाइट्रोजन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। इवन नाइट्रेट्स जो होते हैं वो बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, ठीक है। ऐसे ही आप ना पोटेशियम डाइक्रोमेट ले सकते हैं, इसमें क्रोमियम +6 स्टेट में है जो कि इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, और ऊपर नहीं जा सकता इसलिए हमेशा रिड्यूस करेगा। और जो चीज हमेशा रिड्यूस करती है इट विल ऑलवेज एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसे ही क्रोमियम ऑक्साइड हो जाएगा, क्रोमिक ऑक्साइड हो जाएगा, KMnO4 हो जाएगा। KMnO4 में भी है ना मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर अपने मैक्सिमम पे होता है, +7 होता है, और अधिक नहीं हो सकता, ठीक है ना। और बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड CuO, मैग्नीशियम का भी ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, ठीक है ना, कॉपर का भी +2 है, ठीक है, ऐसे ही मर्क्यूरी का भी हो जाता है, ठीक है, +2 है। या आयरन जो है FeCl3+3 स्टेट में होता है, +3 आयरन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, और फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा। अच्छा, दूसरी चीज, दूसरा क्या डेफिनेशन हो सकता है या दूसरी पहचान क्या हो सकती है? ये जनरली अपने आप को रिड्यूस करते हैं। रिडक्शन कब होता है किसी चीज का? जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे। इलेक्ट्रॉन कौन लोग एक्सेप्ट करते हैं? नॉन मेटल्स। हमें मालूम है कि नॉन मेटल्स आर नोन टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जनरली नॉन मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फॉर इंस्टेंस है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे, जैसे है ना हेलोजन्स हैं, ये क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, है ना। या ऑक्सीजन ले लीजिए, या ओजोन ले लीजिए, है ना, ये बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में गिने जाते हैं। आइए नेक्स्ट चीज क्या, रिड्यूसिंग एजेंट देखते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट किसे कहा जाता है? तो मैंने अभी कहा कि कोई भी चीज जो खुद को हमेशा ऑक्सीडाइज करे, यानी दूसरे को क्या रिड्यूस करने के लिए रेस्पॉन्सिबल हो, उसको रिड्यूसिंग एजेंट कहा जाता है, रिडक्टेंट कहा जाता है। खुद को ऑक्सीडाइज कौन लोग आसानी से करते हैं? तो मेटल्स बहुत आसानी से खुद को ऑक्सीडाइज करते हैं, बड़े ही इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज करने की टेंडेंसी होती है क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है। तो अगर आपको पहचानना हो कि कौन लोग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो सबसे पहला पहचान क्या होगा? ऑल मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, ऑल मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। एक चीज तो ये हो गया कि अगर आपको एग्जाम में आ जाए चार ऑप्शन देके कि इसमें इसमें कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, सभी नॉन मेटल हैं और उसमें एक मेटल दिखाई पड़ा, तो मेटल को आप श्योरिटी से टिक मार सकते हैं कि मेटल्स जो है आर फाउंड टू बी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। सेकेंड, इलेक्ट्रोनेगेटिव सीक्वेंस, जो सीक्वेंस आता है नॉन मेटल का, FONCl, ये मैंने लेक्चर 1 और 2 में भी बताया था रेडॉक्स के, FONCl Br SCIPH। मैं आपको बताऊं, बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स में कुछ नॉन मेटल्स भी होते हैं, ये लास्ट के नॉन मेटल्स जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, ठीक है, दे एक्ट एज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो सम नॉन मेटल्स आर ऑल्सो गुड रिड्यूसिंग एजेंट, गुड रिड्यूसिंग एजेंट। फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल हो जाएगा आपका कार्बन हो गया, आयोडीन हो गया, फॉस्फोरस
फास्फोरस हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये लोग बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स भी हैं। तीसरी बात, रिड्यूसिंग एजेंट्स कौन, हाइड्रा एसिड्स जो होते हैं, हाइड्रा एसिड्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। आप पूछेंगे हाइड्रा एसिड किसे कहते हैं, हाइड्रा एसिड उन एसिड्स को कहते हैं जिनका आर्किटेक्चर ऐसा होता है हाइड्रोजन प्लस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल HCl हो गया, या HI हो गया, या HBr हो गया, ये लोग हाइड्रा एसिड्स हैं। हाइड्रा एसिड्स बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, इसकी एक वजह है, मान लीजिए HCl ही है ये, अगर ऐसे डिसोसिएट होता है H+ Cl-, ये जो Cl- है इट हैज गॉट अ टेंडेंसी टू फॉर्म क्लोरीन गैस एंड लूज इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो अक्सर इनके जो नेगेटिव आयन है वो अक्सर इलेक्ट्रॉन लूज करके किसी गैस या कोई कोई स्टेबल चीज में चेंज होने की टेंडेंसी रखते हैं, इसलिए हाइड्रा एसिड्स, और खुद को अगर कोई चीज ऑक्सीडाइज कर रही है तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगी। तो मैंने आपको अब तक तीन चीजें बताई, पहले बताया कि अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स कौन से होते हैं, मेटल्स आर फाउंड टू बी गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स, ऑल मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स बिकॉज दे हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। दूसरी चीज क्या समझ में आई कि वो नॉन मेटल्स जो बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, जो इलेक्ट्रॉन के प्रति बहुत चाहत नहीं है, जनरली लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले नॉन मेटल्स जो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, दे ऑल्सो हैव अ गुड टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज देमसेल्व्स एंड एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। इसके अलावा हाइड्रा एसिड्स भी, हाइड्रा एसिड किसे कहते हैं, वो एसिड जिसमें हाइड्रोजन और एक और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो, है ना, उनको आप हाइड्रा एसिड कहते हैं। हाइड्रा एसिड की भी अच्छी खासी टेंडेंसी होती है एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करने, क्योंकि हाइड्रा एसिड अक्सर H+ और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम En- पे चेंज कर जाते हैं, और ये चीज अक्सर न्यूट्रलाइज होकर इलेक्ट्रॉन लूज कर जाती है, खुद को ऑक्सीडाइज कर देती है, यानी कैसे एजेंट की तरह काम करती है, अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करती है। चौथी और आखिरी पहचान अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट की क्या हो जाएगी, है ना, चौथी चीज, मेटल जो हाइड्राइड्स हैं, मेटल हाइड्राइड्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स, हाइड्राइड्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स, बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। वजह क्या है, वजह है मान लीजिए NaH है, ये अगर टूटता भी है Na+ और H- में, तो हाइड्राइड्स जो है वो H- के सोर्स होते हैं, हाइड्रोजन बहुत ही अनस्टेबल होता है, H- इज वेरी वेरी अनस्टेबल, ठीक है, अनस्टेबल है, क्यों, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो 2:1 होता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन को दो, एक प्रोटॉन को दो इलेक्ट्रॉन को संभालना होता है, ऐसा किसी एटम में नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो में दो गुने का फर्क हो, ठीक है, तो यह बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है, ये तुरंत H2 और दो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखेगा, ताकि ये क्या बन जाए, स्टेबल बन जाए, है ना। इसी अनस्टेबल होने की वजह से भाई एक प्रोटॉन है और दो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन्स के रिपल्शन जो होते हैं वो उसकी वजह से इसका साइज भी काफी बड़ा हो जाता है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि H- आयन जो कि हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड का सदस्य है, का साइज लगभग क्लोराइड आयन के बराबर होता है जो कि थर्ड पीरियड का सदस्य है, इन दोनों का साइज सेम होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि एक प्रोटॉन दो इलेक्ट्रॉन को उतना कंट्रोल नहीं कर पाता, तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से इसका साइज बड़ा हो जाता है, और यही वजह है कि ये अनस्टेबल होता है और तुरंत हाइड्रोजन गैस में चेंज करने की टेंडेंसी रखता है दो इलेक्ट्रॉन लूज करके। और आप जानते हैं कि कोई चीज अगर दो इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है या इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है वो खुद को ऑक्सीडाइज करेगी, यानी बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगी। तो यहां मैंने आपको रिड्यूसिंग एजेंट्स भी बता दिया कि कितने तरह के क्या क्या चिन्ह है, क्या क्या पहचान है जिससे आप रिड्यूसिंग एजेंट्स को पहचान सकते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट में एक चीज और ध्यान देने की जरूरत है, जो नोटेबल बात है क्या, कि लिथियम इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ना, लेकिन एक शर्त है, कहा इन एक्वस मीडिया, पानी में, पानी में सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है ना लिथियम होता है, लिथियम इज वन ऑफ द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन एक्वस मीडिया, सीजियम इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन एब्सेंस ऑफ वॉटर, इन एब्सेंस ऑफ वॉटर, पानी अगर ना हो तो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो सीजियम हो जाएगा, ठीक है। तो अब तक हम लोगों ने इस लेक्चर में कई चीजें पढ़ी, पहला ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, कुछ डेफिनेशंस पुराने थे उनको हटाया, और मैंने कहा कि आप हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में एक ही डेफिनेशन याद रखेंगे, जब भी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा उसको ऑक्सीडेशन कहेंगे, जब भी ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा उसे हम रिडक्शन कहेंगे।
दूसरी चीज मैंने आपको सिखाई कि रेडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन उस रिएक्शन कहते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होते हैं। वैसे साइमल्टेनियसली होना उनकी मजबूरी भी है क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन तब तक लूज नहीं कर सकते जब तक उसे कोई एक्सेप्ट करने वाला ना हो। फिर मैंने आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहते हैं ये बताया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को पहचानने का तरीका बताया, रिड्यूसिंग एजेंट को पहचानने का तरीका बताया। अब लास्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर, इस लेक्चर के आखिरी पार्ट में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऑक्सीडाइज कितने तरह के रिएक्शंस हैं जिनको आप देखते ही पहचान जाएंगे कि ये रेडॉक्स रिएक्शन है। देखिए रेडॉक्स रिएक्शन पहचानने का सबसे जो बेसिक तरीका वो यही है कि आप सभी एटम्स का उस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर लिखिए और देखिए अगर एक में भी कोई चेंज आ रहा है तो वो रेडॉक्स रिएक्शन है। लेकिन एग्जाम में सभी एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम देखते ही प्राइमा फेसाई प्रथम दृष्टया ही पहचान जाएं कि ये रिएक्शन जो है रेडॉक्स रिएक्शन है, तो हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के उनके चेंज को चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें हम 2 सेकंड में ही उस ऑप्शन को टिक मारकर अपना समय बचा सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन जानना जरूरी हो जाता है, ठीक है। आइए देखते हैं कितने टाइप के रेडॉक्स रिएक्शन होते हैं, टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, है ना, टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। देखिए टोटल 5 ऐसे रिएक्शंस हैं जिनको आप देखकर ही बता सकते हैं कि एक रेडॉक्स रिएक्शन है। पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मैं इन सब के डिटेल में जाऊंगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तीसरा नहीं चौथा है ना डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। और लास्ट है कॉम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, कॉम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। आइए एक एक करके इसको डील करते हैं। पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसे कहते हैं, ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जो बेसिक है क्या है कि अगर दो लोग मिलकर एक हो जा रहे हैं और इनमें से कोई एक भी अगर प्योर एलिमेंट है तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। मतलब क्या मतलब, ए और बी और बोथ बिलोंग टू प्योर एलिमेंट। तो एक बहुत ही सरल लफ्जों में मैंने इसका डेफिनेशन दे दिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन उन रिएक्शंस को कहते हैं जिनमें है ना दो लोग मिलकर एक हो जाते हैं और कोई एक आदमी इसमें से, कोई एक चीज इसमें से है ना प्योर एलिमेंट होती है तो इसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ए और बी और बोथ आर प्योर एलिमेंट, ठीक है। अच्छा जैसे फॉर इंस्टेंस, अच्छा इसकी वजह क्या है मैं बताऊंगा आपको। फॉर एग्जांपल कार्बन प्लस ऑक्सीजन चेंजेस इनटू CO2, तो ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है क्योंकि दो लोग मिलकर एक हो जा रहे हैं और यहां दोनों ही कार्बन हो चाहे ऑक्सीजन हो दोनों ही प्योर एलिमेंट्स हैं तो इसलिए इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन होना ही होगा, ठीक है। अब क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक रेडॉक्स रिएक्शन है तो चलिए इस बार हम चेक करके देख लेते हैं। कार्बन 0 कार्बन 4, कार्बन का क्या हो रहा है यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीजन 0 ऑक्सीजन -2 यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है ना रिडक्शन हो रहा है। तो मैं यहां पर देख सकता हूं, ठीक है, कि है ना कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक तरह का रेडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक तरह का रेडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा। यही नहीं, इनमें से कोई एक भी चीज अगर प्योर एलिमेंट होगी तब भी वो एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाएगा। फॉर इंस्टेंस अगर मैं कहता हूं SO2 प्लस हाफ O2 गिव्स SO3, ठीक है, अगर ये रिएक्शन होता है। अब मुझे मालूम है दो लोग मिलकर एक हो गए हैं और इसमें ये तो नहीं पर ये जरूर ऑक्सीजन बिलोंग्स टू प्योर एलिमेंट, ऑक्सीजन एक प्योर एलिमेंट है तो पक्का है ये एक रेडॉक्स रिएक्शन होगा, ठीक है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। हम चेक कर सकते हैं यहां सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है, यहां सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, सल्फर जो है
वो यहां पर ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, जबकि ऑक्सीजन माइनस जीरो से माइनस टू पे जा रहा है, इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। समझ आ रही बात आपको? ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर रिडॉक्स रिएक्शंस। तो एक चीज तो क्लियर हो गया कि टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन में मैं कंफर्म हो गया कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक रिडॉक्स रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक रिडॉक्स रिएक्शन क्यों है, इसकी एक वजह है। मान लीजिए अगर कोई चीज प्योर एलिमेंट है तो पक्का उसका ऑक्सीडेशन नंबर जीरो होगा, और जब वो कंबाइंड स्टेट में आएगा तो पक्का वो जीरो नहीं होगा, क्योंकि वो प्योर एलिमेंट तो है नहीं, तो जीरो स्टेट पे होगा ही नहीं, या तो पॉजिटिव स्टेट पे जाएगा या नेगेटिव स्टेट पे जाएगा, यानी उसके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आएगा। और किसी भी रिएक्शन में अगर एक एटम का भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है तो वो रिडॉक्स रिएक्शन होगा। ठीक है, तो इसलिए मैं बड़ी यहां पे प्रूफ भी कर दिया मैंने कि ये रिडॉक्स रिएक्शन क्यों है, क्योंकि अगर प्योर एलिमेंट होगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर जीरो होगा, और अगर कंबाइंड स्टेट में जा रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कुछ ना कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव होगा, तो जरूर इसमें कोई ना कोई चेंज आया है। ठीक है, दूसरी चीज क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसे कहते हैं, तो मैं आपको बताऊं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन एकदम रिवर्स है ना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, मैंने कहा अभी जस्ट उल्टा होता है ये, है ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। मतलब क्या, अगर कोई एक कॉम्पाउंड है वो टूट जाता है दो लोगों में, और इन दोनों में से कोई एक भी प्योर एलिमेंट होगा, तो ऐसे रिएक्शन को आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे ए और बी और बोथ बिलोंग टू प्योर एलिमेंट, प्योर एलिमेंट अगर हो जाए तो इसको कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जाहिर सी बात है इन दोनों का जुड़कर वो बनना कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाता है, और अगर कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक रिडॉक्स रिएक्शन है तो उसका ऑपोजिट भी जो है वो एक रिडॉक्स रिएक्शन होगा ही होगा। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं पहली चीज क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एंड सेकेंड थिंग इज दैट, है ना, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का रिवर्स होता है। और दूसरी चीज क्या, ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शन जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो सारे के सारे रिडॉक्स रिएक्शन होंगे। ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर रिडॉक्स रिएक्शंस। आइए इसे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, कई सारे इसके एग्जांपल हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैल्शियम, नहीं पोटेशियम क्लोरेट, है ना, KClO3 on heating changes into KCl plus oxygen। ठीक है, इसको बैलेंस कर लीजिए, आप पाएंगे कि यहां कम से कम एक चीज प्योर एलिमेंट में बदल रही है ना। ये एक, 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 एक कोई चीज थी जो हीट करने पर टूटती है, कोई एक चीज प्योर एलिमेंट है तो पक्का रिडॉक्स रिएक्शन होगा। आइए चेक करते हैं, यहां पर पोटैश क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +7 है, यहां -1, क्लोरीन इज अंडर गोइंग रिडक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है इसका। यहां ऑक्सीजन का जीरो है, यहां ऑक्सीजन का -2 है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, यानी ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो एकदम साफ दिखाई पड़ रहा है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक रिडॉक्स रिएक्शन है, इट इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ। ठीक है, और भी इसके कई सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, है ना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के, है ना, जैसे आप HCl को, या आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर आप कर सकते हैं, H2O और O2 में चेंज कर रहा है, तो पक्का रिडॉक्स रिएक्शन है, ऑक्सीजन -2 से जीरो जा रहा है। ठीक है, खुद को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है, जबकि हाइड्रोजन +1 से जीरो पहुंच रहा है और खुद को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है। तो बहुत क्लियर हो गया मुझे कि दो ऐसे रिएक्शन मैंने देख लिए जो कि रिडॉक्स रिएक्शन की कैटेगरी में रख सकता हूं, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन और एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और मजे की बात यह है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शंस दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं। तीसरी चीज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये क्या होता है, आइए देखते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देखा जाए इसका क्या मतलब होता है। तीसरी चीज डिस्प्लेस
मेंट रिएक्शन। जब भी कोई चीज, कोई एलिमेंट हो, कोई एलिमेंट हो, कंपाउंड हो, कुछ भी हो, वो एक कंपाउंड से ऐसे रिएक्ट करे कि वो किसी चीज को डिस्प्लेस कर दे। मतलब क्या, यहां से वाई हट जाए, यानी एक्स और जेड एक साथ हो जाए और वाई अलग हो जाए। ऑफ कोर्स वाई एक प्योर एलिमेंट होना चाहिए, वाई शुड बिलोंग टू अ प्योर एलिमेंट। अगर ऐसा हो जाता है, वाई एक प्योर एलिमेंट होगा, और अगर ऐसा हो जाता है तो आप कह सकते हैं कि ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब दो बातें हो सकती है, अगर वाई आपका एक मेटल है, इफ वाई बिलोंग्स टू मेटल, तो आप इस रिएक्शन को कहेंगे मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और अगर वाई जो है वो नॉन मेटल है, नॉन मेटल है, तो आप इस रिएक्शन को क्या कह सकते हैं, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दोनों ही केसेस में रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाएगा। जैसे है ना, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मैं एक एग्जांपल ले सकता हूं, जैसे TiCl4 प्लस मैग्नीशियम गिव्स MgCl2 प्लस टाइटेनियम। तो यहां पर मैग्नीशियम ने टाइटेनियम को डिस्प्लेस कर दिया और ये एक रिएक्शन, और टाइटेनियम डिस्प्लेस हो गया। क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन होगा, हम चेक कर सकते हैं। टाइटेनियम यहां +4 स्टेट में, यहां 0 है, टाइटेनियम हैज अंडरगॉन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर घट गया, और मैग्नीशियम यहां 0 स्टेट पे था, मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज कर गया, यानी इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो मैं साफ देख सकता हूं कि एक रिडॉक्स रिएक्शन है। नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होते हैं, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट जिसमें कोई नॉन मेटल डिस्प्लेस कर जाए। फॉर इंस्टेंस, सोडियम कभी भी वाटर से अगर रिएक्ट करेगा तो इट फॉर्म्स NaOH प्लस हाफ हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। अब आप यहां पे देख सकते हैं ये एक नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, यहां हाइड्रोजन गैस निकली है, तो हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस हो गई है यहां पर। एक्चुअली इसको ज्यादा अच्छा समझने के लिए आप वाटर को ऐसे समझ सकते हैं कि HOH है, यहां पर OH तो वही रहा, पर Na ने H को क्या किया है, डिस्प्लेस कर दिया है, H को डिस्प्लेस कर दिया है। तो यहां पर ये रिएक्शन अब रिडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं, ये हमको चेक करना पड़ेगा। देखते हैं, सोडियम 0 स्टेट पे, यहां +1 स्टेट पे, क्योंकि OH के ऊपर -2 -1 होता है, तो सोडियम यहां पर ऑक्सीडाइज कर रहा है, नो डाउट। हाइड्रोजन की बात करिए, हाइड्रोजन यहां पे +1 स्टेट पे था और अब हाइड्रोजन यहां पे 0 स्टेट पे है। कोई चीज अगर +1 से 0 स्टेट पे आ रही है तो पक्का वो इट इज अंडरगोइंग रिडक्शन। सो आई एम प्रीटी श्योर कि ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। तो मैं कह सकता हूं कि ऑल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर रिडॉक्स रिएक्शंस, ऑल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर रिडॉक्स रिएक्शंस। तो अभी मैंने आपको बताया कि कितने तरह के रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। आइए अब हम डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस भी रिडॉक्स रिएक्शंस की कैटेगरी में आते हैं। देखा जाए क्या होते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस, जब भी कोई ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें सेम चीज ऑक्सीडाइज भी हो रही हो, सेम चीज रिड्यूस भी हो रही हो, उसे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहेंगे। फॉर इंस्टेंस, अगर मान लीजिए बड़ा फेमस रिएक्शन है हैलोजेंस, जब भी है ना अल्कली से रिएक्ट करते हैं वो एक्स माइनस और एक्सो माइनस बनाते हैं, अगर ये डाइल्यूट अल्कली है, ठीक है, या IIT में कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। और बड़ा फेमस रिएक्शन है जहां पे एक्स जो है वो सिर्फ क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ही हो सकता है, क्योंकि फ्लोरीन दुनिया का सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो हमेशा अपने आप को रिड्यूस कर सकता है, फ्लोरीन ऑक्सीडाइज नहीं होता, ठीक है। तो यहां पे फ्लोरीन नहीं हो सकता। जैसे फॉर इंस्टेंस, क्लोरीन प्लस KOH विल गिव यू KCl प्लस KOCl।
अब यहां पे देख सकते हैं कि जब भी यहां पे क्लोरीन जीरो से माइनस वन खुद को क्या कर रहा है, रिड्यूस भी कर रहा है, और जीरो से प्लस वन खुद को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि बिना बिना कुछ कहे ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन है। ऐसे ही बड़े ही फेमस रिडॉक्स रिएक्शन है केमिस्ट्री में, कुछ ही है। जैसे फॉर इंस्टेंस, अगर आप किसी हैलोजन को कॉन्सेंट्रेटेड अल्कली से ट्रीट करिए या उसको हीट कर दीजिए, तब यही एक्स माइनस और एक्सो थ्री माइनस में चेंज करना शुरू हो जाएगा। फॉर इंस्टेंस, अगर आप यहां पे ब्रोमीन और KOH ले लीजिए और आप अगर इसको हीट कर देते हैं, तो फिर आपको KBr और KOBr मिलना शुरू हो KBrO3 मिलना शुरू हो जाएगा, और ये भी एक रिडॉक्स रिएक्शन की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि ब्रोमीन यहां जीरो स्टेट पे, यहां माइनस है, जीरो और प्लस फाइव, ब्रोमीन खुद को रिड्यूस भी कर रहा है और ब्रोमीन खुद को क्या, ऑक्सीडाइज भी कर रहा है। तो मैंने देखा आपको, मैंने यहां पे बताया आपको कि डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस भी रिडॉक्स रिएक्शंस है, और भी कुछ फेमस रिडॉक्स रिएक्शंस है जो आप अभी ही जान जाइए तो आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इजी होगा, है ना। और ये भी रिएक्शंस कई बार IIT और मेडिकल में पूछे जा चुके हैं, जैसे फॉस्फोरस भी अल्कली के प्रेजेंस में डिस्प्रोपोर्शनेट करता है, ठीक है, और हमेशा फॉस्फीन गैस बनती है, ठीक है, और H2PO2 माइनस बनता है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल आप बहुत स्पेसिफिक हो जाइए, फॉस्फोरस व्हेनेवर ट्रीटेड विद, मान लीजिए NaOH से अगर ट्रीट हो रहा है तो PH3 गैस बनेगी, साथ में NaH2PO2 बनेगा। तो ये भी एक फेमस रिडॉक्स रिएक्शन है। ऐसे ही सल्फर का भी एक फेमस रिडॉक्स रिएक्शन है, क्या है ना, सल्फर जो है वो एसेट, कभी भी आप अल्कली के प्रेजेंस में ट्रीट करेंगे तो सल्फाइड और थायोसल्फेट में चेंज करने की टेंडेंसी होती है, ठीक है। मतलब अगर आप बहुत स्पेसिफिक हो जाइए S8 प्लस NaOH, तो आप कह सकते हैं Na2S प्लस Na2S2O3, ठीक है। तो ये कुछ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है जो मैंने लगे हाथों, है ना, ये बताते हुए कि डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है, लगे हाथों मैंने कुछ आपको डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी बता दिया जो आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिखाई पड़ेगा। अब आखिरी रिएक्शन जो कि रिडॉक्स रिएक्शन की कैटेगरी में आता है, उसे हम कहते हैं कॉम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ये क्या होता है, इसको भी देखा जाए। नेक्स्ट रिएक्शन है कॉम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, कॉम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। कॉम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन किसे कहते हैं, देखा जाए तो पहली चीज, कॉम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन इज रिवर्स ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, रिवर्स ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन अभी अभी हमने देखा, उसका ठीक उल्टा कॉम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहता है। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि वही चीज ऑक्सीडाइज भी करे, वही चीज रिड्यूस भी करे, है ना, ऐसा कुछ है कि एक ही चीज ऑक्सीडाइज और रिड्यूस कर रही है। ये ठीक उल्टा है, अलग अलग चीजें ऑक्सीडाइज और रिड्यूस करके सेम जगह पहुंचती हैं, तो उसे हम कॉम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। फॉर इंस्टेंस, मेरे पास एक एग्जाम्पल है, फेमस रिएक्शन, अभी मैं आगे आने वाले लेक्चर में, लेक्चर फाइव में मैं आपको, फाइव या सिक्स में मैं आपको टाइट्रेशन पढ़ाऊंगा, तब ये रिएक्शन बड़ा फेमस रिएक्शन आएगा। आयोडाइड और आयोडेट आयन अक्सर एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके आयोडीन में चेंज करने की टेंडेंसी रखते हैं, ठीक है। अब ये एक कॉम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, आप साफ देख सकते हैं कि आयोडीन माइनस वन से ना कहां जा रहा है, जीरो, इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, ठीक है, यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यहां पर यह प्लस फाइव से जीरो जा रहा है, यानी यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस हो रहा है, यानी इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑल कॉम्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस आर रिडॉक्स रिएक्शंस विच आर जस्ट ऑपोजिट डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। मैं इस बात को लिख देता हूं कि ऑल कॉम्प्रोपोर्शनेशन प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस आर रिडॉक्स रिएक्शंस, ठीक है। तो हम लोगों ने अब तक इस लेक्चर में क्या सीखा, हम लोगों ने सीखा कि
पहली चीज सीखी कि ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, दूसरी चीज सीखी रिडक्शन किसे कहते हैं, तीसरी चीज सीखा रिडॉक्स रिएक्शंस किसे कहते हैं, फिर मैंने बताया आपको कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहते हैं, इनको पहचानने का क्या तरीका है, और लास्टली हम लोगों ने देखा कि कितने तरह के रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं। आइए मेरे पास दो छोटे छोटे सवाल है, क्योंकि ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, इस पे कोई न्यूमेरिकल नहीं हो सकता, इससे दो छोटे छोटे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपसे पूछता हूं, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और क्लैरिटी और बढ़ जाएगी। ये क्वेश्चंस अक्सर आपको किताबों में मिल जाएंगे, बड़े फेमस रिएक्शंस है, क्वेश्चंस है। क्वेश्चन पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, पहला क्वेश्चन आता है, अक्सर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट डिस्प्रपोर्शनेट ए सीएलओ माइनस, बी सीएलओ टू माइनस, सी सीएलओ थ्री माइनस, डी सीएलओ फोर माइनस। ये क्वेश्चन आ जाएगा। अब इसको कैसे अटेम्प्ट किया जाए, तो देखिए डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब होता है कि वही चीज ऑक्सीडाइज करे और वही चीज क्या करे, रिड्यूस करे। ठीक है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, 2, 8, 7, वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, यानी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +7 होगा, ऐसा मैंने लेक्चर नंबर 1 में रिडॉक्स रिएक्शन के बताया था, और इसमें आप 8 घटा दीजिए ये -1 हो जाएगा, लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। अब देखते हैं यहां क्लोरीन का +1 स्टेट में, यहां +3 स्टेट में, यहां +5 स्टेट में, और यहां +7 स्टेट में, तो मैं साफ देख सकता हूं कि ये जो +7 स्टेट है ये मैक्सिमम स्टेट। देखिए +5 स्टेट पे होना कोई बुरी बात नहीं है, आप ऑक्सीडाइज भी कर सकते हैं, आप रिड्यूस भी कर सकते हैं। ठीक है, आप +3 स्टेट में है तब भी आप ऑक्सीडाइज भी कर सकते हैं, रिड्यूस भी कर सकते हैं। आप +1 स्टेट में है, आप ऑक्सीडाइज भी कर सकते हैं, रिड्यूस भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप +7 स्टेट में है तो आप और ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते, आपका ऑक्सीडेशन नंबर और नहीं बढ़ सकता, सिर्फ आप रिड्यूस कर सकते हैं। यानी मैं कह सकता हूं कि ClO4- एक ऐसा एक आयन है जो डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं करेगा। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। मैं कहता हूं रिकॉग्नाइज द टाइप ऑफ रिएक्शन, ए N2+O2 gives NO, B PbNO3 whole twice on heating changes into PbO plus twice NO plus half O2, C NaH+H2O gives NaOH plus hydrogen, or D NO2+KOH gives NO3- और NO2-। जो भी व्यूअर्स इस क्वेश्चन को देख रहे हैं वो इस वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, मैं जानना चाहता हूं कि कौन किस टाइप का रिएक्शन है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं दो लोग मिलकर एक कंपाउंड बना रहे हैं और दोनों ही प्योर एलिमेंट है, मैं कह सकता हूं एक कैसा रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। यहां पर देखिए कोई एक चीज मिलकर डिकम्पोज कर रही है और एक आदमी उसमें प्योर एलिमेंट है, यानी मैं कह सकता हूं यह कैसा रिएक्शन है, डीकंपोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, डीकंपोजिशन रिएक्शन है। इस रिएक्शन को देखिए कोई भी देखकर कह सकता है कि यह एक सोडियम में हाइड्रोजन था, उसको OH ने रिप्लेस कर दिया है, यानी यह नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। लेकिन कई बार आपको एक आंसर मिल जाता है तो आप बहुत खुश हो जाते हैं, आपको लगता है कि हाँ ये मुझे आंसर मिल गया। लेकिन IIT में मल्टीपल आंसर्स वाले क्वेश्चन भी होते हैं, अगर आप बहुत गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि हाँ हाइड्रोजन -1 से 0 जा रहा है, यानी खुद को ऑक्सीडाइज भी कर रहा है, हाइड्रोजन यहां +1 से भी 0 में चेंज हो रहा है, यानी खुद को क्या कर रहा है, रिड्यूस भी कर रहा है। आप इसको एक और नाम से पुकार सकते हैं, इट इज अ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है ये। ठीक है, और लास्टली यहां पर क्या हो रहा है, नाइट्रोजन यहां +4 स्टेट में है, यहां नाइट्रोजन +5 स्टेट में, और यहां नाइट्रोजन +3 स्टेट में, तो आप देख सकते हैं ये +4 से +5 जा रहा है, यानी खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है,
और यही नाइट्रोजन प्लस फोर से प्लस थ्री जा रहा है, इस अपने आप को रिड्यूस कर रहा है, तो मैं इसको भी कह सकता हूं कि ये एक डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। तो लगभग इन एक घंटों में या 45 मिनट में हम लोगों ने काफी कुछ सीख लिया, ठीक है ना। लास्टली हम लोगों ने टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस भी सीखे। तो आज रिडॉक्स के लेक्चर थ्री में इतना ही, अगले लेक्चर में लेक्चर फोर में मिलेंगे तो हम लोग बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस की बात करेंगे कि कैसे रिडॉक्स रिएक्शंस को सिस्टमैटिकली बैलेंस किया जाता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।